नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ आवर चैनल। आज संडे है और आज मैं सुबह से बिजी हूँ। बिजी इसीलिए हूँ क्योंकि आज मुझे गुन्नू के स्कूल जाना है, उसके मार्कशीट लाने। एक्चुअली कल दैट मीन्स 30 अप्रैल को हमारे स्कूल पे भी मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लेरेशन था, मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखाई। तो एक्चुअली गुन्नू के भी मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन उसी दिन ही था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई उस दिन। दैट्स वाई आज मुझे जाना है, क्योंकि आज भी उसके स्कूल पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो इसीलिए स्कूल ओपन है। तो सुबह सुबह आज मैं जल्दी थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता में आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैगी। बाकी दिन तो रोटी सब्जी पराठा ये सब बनाते रहती हूँ, बट आज संडे है तो वैसे तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ कभी कभी, बट आज मुझे जाना भी है तो इसीलिए बस शॉर्ट के लिए मैंने मैगी बनाया और ये मैगी रेडी है। तो मैगी बना के मैं अपना हाउस होल्ड वर्क कर ली थी, नहा धो ली थी, और यहाँ पे गुन्नू के पापा पूजा कर रहे हैं। तो जिस दिन उनके छुट्टी रहते हैं, छुट्टी नहीं भी रहते हैं तो पूजा पाठ का काम ज़्यादा वही करते हैं। गुन्नू को देखिए यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया, ड्रेस पहना के आशीर्वाद ले रही है। तो आज उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम पहुंच गए स्कूल, मैं ही गुन्नू को लेकर गई थी तो इसलिए बीच में मैं वीडियोस नहीं डाल पाई आपको। यहाँ पे देखिए बाकी क्लास के, दैट मीन्स LKG और UKG क्लास के भी आज रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वहाँ पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो गुन्नू का रिपोर्ट कार्ड मुझे मिल गया, रिपोर्ट कार्ड के बारे में आपको बताती हूँ। तो पहले थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं। गुन्नू के स्कूल है फर्स्ट एड प्ले स्कूल, तो यहाँ पे मैंने गुन्नू को जब वो 2.5 साल की थी तब से वो यहाँ पे पढ़ रही है, कंटिन्यू कर रही है, तो इसलिए अभी वो इसी स्कूल पे ही कंटिन्यू कर रही है। तो देखिए बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, छोटे बच्चों के लिए अच्छे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस है, यहाँ पे फोटो सेशन के लिए बहुत सारे स्कोप्स रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं गुन्नू को ले जाके कुछ फ़ोटो सेशन कर ली थी। यहाँ पे बस गुन्नू को मैं फ़ोटो सेशन कर रही हूँ। गुन्नू फर्स्ट नहीं आई है क्लास पे, बट उसका परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, 98.5% आई है गुन्नू इतने छोटी उम्र में। मार्क्स तो देखिए हमेशा मैं इस चीज़ पे प्रायोरिटी देती हूँ कि मार्क्स इज़ नॉट एवरीथिंग। मार्क्स या आप क्लास में कौन सी पोजिशन गेन कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितना सीख रहे हो। ये मैं बच्चों को भी हमेशा बताती रहती हूँ मेरे क्लास पे। तो वो जैसे भी लाई है, जो भी लाई है क्लास में, उसका जैसे भी पोजीशन हो, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। थोड़ा सा इंग्लिश में उसका मार्क्स कम आ गए थे, बाकी सब्जेक्ट पे तो मतलब हिंदी और मैथ्स पे उसका फुल मार्क्स है। इंग्लिश में थोड़ा सा उसने लेटर को थोड़ा सा उल्टी लिख दी थी, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। नो मैटर, नेक्स्ट टाइम शी विल डू बेटर। तो यहाँ का कार्यक्रम पूरा करके उसको मेडल मिला और चॉकलेट मार्कशीट तो उसको मिला वो लेके मैं घर आ गई थी। शाम के टाइम पे देखिए, इवनिंग टाइम, ये हमारा खेत है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजनल बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलेगा, जैसे अभी आप देख रहे हो मेथी है, लहसुन है, प्याज है। यहाँ पे ये सब काम बिलीव में हम तो इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ससुर जी और जो मेरी सासू माँ है तो ये इस पे लगे रहते हैं। और हस्बैंड को जब जब छुट्टी मिलती है, छुट्टी के दिन वो यहाँ पे काम कर देते हैं थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक हैंड ट्रैक्टर है जिसको आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हो, तो यही करके यहाँ पे ये खेत को थोड़ा सा तैयार किया जा रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर किसी चीज़ मतलब कोई भी सीड्स यहाँ पे डाला जाएगा इसीलिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इस पर हमने कौन सा सीड्स, वेजिटेबल्स या कुछ और हमने क्या बोया, मैं आपको वो बाद में बताऊँगी। और अब देखिए संडे है तो अब हम जा रहे हैं आज थोड़ा सा मार्केट, तो मार्केट इसीलिए जा रहे हैं। वैसे कुछ खास कारण नहीं था, बट आज मन हुआ कि मार्केट जाके थोड़ा सा हम बस ऐसे ही घूमने जाएंगे, तो इसीलिए हम गए थे, और कोई अदर रीज़न नहीं था, बस थोड़ा घूमने गए थे। थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाने का एक मन हुआ था बस इसीलिए, क्योंकि बाकी समय पे तो एक्चुअली समय मिलता नहीं है। ये एक्चुअली हमारे घर का कुछ लाइट्स दिक्कत आ गई थी, इसीलिए हम यहाँ पे जो बाहर लगाने के लिए जो लाइट्स होते हैं तो वो लेने के लिए हम गए थे। यहाँ पे मैं, गुन्नू और गुन्नू के पापा तीनों गए थे मार्केट में। तो ये लालकुआ के मार्केट हैं,
और थोड़ा सा मुझे एक जूता के शॉप में भी जाना था, एक सैंडल लेना था मुझे, सैंडल सब पुराने हो गए हैं तो इसीलिए तो एक सैंडल लेने में भी गई थी, और थोड़ा सा बस मार्केट घूम लिए हमने, बाज़ार लगी थी तो इसीलिए मार्केट होकर आए एक बार। ज़्यादा सब्ज़ी हमने ली नहीं क्योंकि हमारे नियर बाई घर की सब्ज़ी वेजिटेबल्स जो वो मिलते हैं जवाहर नगर पे, मैंने आपको दिखाया वो वीकेंड मतलब हर वेडनेसडे वहाँ पे अच्छी खास सब्ज़ी बाज़ार लगती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दो चार चीज़ जो यहाँ पे एसेंशियल था घर के लिए वो हमने लिए। और फिर स्पेशली गोलगप्पा खाने का मन हो रहा था तो वो खाने ही गए थे हम, तो इसीलिए गोलगप्पा की जगह पे जाके एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। गोलगप्पा जब हम पहुँचे थे उनके शॉप पे, अनफॉर्चुनेटली उनके सब जो गोलगप्पे हैं वो ख़त्म हो गया था, बस लास्ट बचा था, और उनके पास पानी ख़त्म हो गई थी, तो हमने क्या करा, पानी दूसरे से लिए और गोलगप्पा दूसरे से लिए क्योंकि खाना ही था। ये हमने तरबूज लिए, समर टाइम पे तरबूज बहुत अच्छा होता है और गुन्नू को खास तरफ से बहुत पसंद है ये फ्रूट, तो इसीलिए लिए। यहाँ पे देखिए गोलगप्पा पे पानी ख़त्म हो चुका है और गोलगप्पा भी बस लास्ट है, तो इसलिए वहाँ पे ना खा के हम इसको पैक करके घर लाए थे, पानी किसी और से और गोलगप्पे किसी और से, इसीलिए बस हमें मतलब खाना था, अच्छा लग रहा था बस इसीलिए। तो संडे ऐसे ही बीता। अब आते हैं चलिए मंडे के समय, स्कूल पहुंच गई मैं, और पहुंच क्या गई मतलब पूरा दिन बीत गए स्कूल पे। आज बहुत ही बिजी स्केड्यूल था क्योंकि हमारे स्कूल पे एडमिशन प्रोसीड्यूर अभी कंटिन्यू है, तो आज काफ़ी एडमिशन्स आए हैं और इसीलिए थोड़ा सा मतलब समय निकल के जब थोड़ा प्रेशर कम हो गया तो उस समय बाहर आके थोड़ा व्लॉग के लिए मैं वीडियो बना रही थी। हमारा स्कूल का प्राइमरी सेक्शन है, अभी न्यू सेशन पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल के बारे में आपको मैं दिखाऊंगी। ये जो दो चिल्ड्रेन आप देख रहे हो, दे आर न्यू एडमिशंस, तो बहुत सारे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं हमारा न्यू सेशन के लिए, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा स्कूल कंपाउंड प्रेमिसेस आपको मैंने पहले ही दिखाया, और आज हमारा ये जो अध्यक्ष जी आए थे हमारे स्कूल पे, तो संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है हमारे स्कूल पे क्योंकि विद्या भारती का पार्ट है, तो इस पे जो टीचर्स जैसे जैसे मार्क्स लाए हैं डिफरेंट जैसे प्रथमा मध्यमा ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, तो उनको आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। तो सब टीचर्स यहाँ पे जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा जिस पे टीचर्स अटेंड किए थे, तो सब टीचर्स उस पे उत्तीर्ण हैं, और इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड कि हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा। हालांकि मैं बहुत ही वीक हूँ संस्कृति ज्ञान परीक्षा इस टॉपिक पे, बट फिर भी अच्छा लगा। अब देखिए आज शाम को मैं शॉप पे जाके गुन्नू के जो बुक्स है स्कूल के लिए जो एलोकेट किया गया था, तो उन्होंने एक्चुअली मैसेज के द्वारा भेज दिए थे कि कौन कौन सी बुक्स लेना है, तो इसलिए बुक शॉप पे जाके मैं आज गुन्नू के लिए बुक्स लाई। अभी उसको 4th अप्रैल से स्कूल भी स्टार्ट है और मेरी भी 4th अप्रैल से क्लास कंटिन्यूएशन है, अभी तो एडमिशन प्रोसीड्यूर चल रहा, तो इसलिए बुक्स ला गई मैं, अब फटाफट इसको कवर चढ़ाना है। नाउ इट्स डिनर टाइम। देखिए डिनर करने के बाद पापा के साथ यहाँ पे गुन्नू मस्ती करने में बिजी है, तो बहुत ही शैतानी करती रहती है कभी कभी, और जिस दिन शैतानी करती है उस दिन थक भी जाती है, फिर सोने के बाद उसको कोई होश नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली पापा के साथ ही गुन्नू ज़्यादा मस्ती करती रहती है, क्योंकि मेरे पास आती है तो मैं ज़्यादा इसको टॉलरेट नहीं करती हूँ, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है, तो इसके पापा के ऐसे कुछ है नहीं, पापा भी एकदम सही है और गुन्नू भी सही है, दोनों के फिगर समान है, इसीलिए किसी का एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों मतलब कितना शैतानी कर रहे गुन्नू। तो ऐसे ही हमने दिन बिताए, छोटा सा फैमिली है बट हम खुश हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, स्वस्थ रहिएगा अच्छा रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। सी यू सून विद द अनदर ब्लॉग।
थैंक यू।